हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मिलिए मेरे बेटे से, शैतान बच्चा। इसकी नाक तोड़, छोटे से ही इसकी नाक, जब छोटा था ना तब इसकी नाक दबा दो तो रोने लगता था। अब भी इसको पसंद नहीं है, जबरदस्ती का हंसता रहता है बस। भैया मैं कितनी काली लग रही है तुम्हारे सामने? तुम इतने गोरे कैसे हो सकते हो जब मैं काली हूँ? इसकी ब्राइटनेस मैंने तेज कर दी थी कैमरे। अबे तो मेरे फेस में भी आनी चाहिए ना। ये खाई है इनको, मतलब ये सीधा इनको सोफे में बैठना पसंद नहीं है, ये ऐसे ही बैठती है। इनसे बोलो तो बोलेंगे कि मुझे ऐसे ही रिलैक्स फील होता है। और साथ में है इनका पालतू कुत्ता जो इन्हीं के चिपका रहता है। काम करने मैंने सोचा जल्दी जल्दी से काम निपटा लूँ, क्योंकि फिर बहुत इधर कैमरा लगाओ उधर कैमरा लगाओ लगाते लगाते बहुत टाइम हो जाता है, फिर लेट हो जाता है। और वैसे भी अभी तक मेरा खाना बना नहीं है, नाश्ता बस कर लिया है हमने। अब जा रही हूँ, खाना तो बनाऊँगी लेकिन थोड़ी देर में, अभी मेरा मन नहीं बनाने का। और मौसम 3-4 दिन से बहुत तेज़ धूप निकल रही है और बारिश नहीं हो रही है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो रही है। और हम लोगों ने भुट्टे खाए हैं, ये देखिए भुट्टों का ढेर लगा हुआ है। चलिए करती हूँ थोड़ी देर में फिर आपसे बातें। अभी जा रही हूँ मैं, सोच रही हूँ बना लेती हूँ टाइम से, नहीं फिर बहुत लेट हो जाएगा खाना, इसलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी बनाने की तैयारी करने लगी थी, और मैं आज तरोई भरकर मसाले भरकर बना रही थी। और यहाँ पर बेटू मुझसे शिकायत कर रही थी कि उसके स्कूल से कुछ वर्क आया था, तो बेटू कर रही थी तो भैया का भी आया हुआ था, तो भैया बोल रहा था कि नहीं मुझे भी फ़ोन चाहिए। तो दोनों की इसी में बहस हो रही थी और बेटू मुझसे शिकायत लगा रही थी भैया की कि इसको अभी फ़ोन चाहिए मुझसे, मैं पढ़ रही हूँ। तो और ये मैंने सारे मसाले तैयार करके लिए थे, खड़े मसाले मैंने भूंज कर उनको पाउडर बना लिया था। खड़े मसालों में मैंने धनिया, सौंफ, जीरा और मेथी, इनको मैंने भूंज लिया था और पीस लिया था। और अदरक, लहसुन, मिर्ची और प्याज का पेस्ट बना लिया था। और लाइट चली गई थी तो मुझे सिलबट्टे में पीसना पड़ा था, तो रो रो के मेरे आंसू बहुत बह गए थे। तो इसमें मैंने फिर मिला दिया था इन मसालों में धनिया, अरे नहीं धनिया नहीं, हल्दी, गरम मसाला, थोड़ा सा सब्जी मसाला और अमचूर पाउडर मैंने इसको डाल दिया था। और फिर मैंने इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाला था, नमक डाल दिया था। फिर मैंने इनको अच्छे से मिला करके तरोइयों में भर दिया था। मैंने तरोई को ना, एक तरोई के 3 पीस किए थे, पूरी लंबी तरोई में मैंने नहीं भरा था, 3 पीस करके फिर मैंने ऐसे काट करके उनमें चीरा लगा के उनको काट लिया था और उसमें फिर मैंने भर दिया था। ये मैं मसाला मिला रही थी सब कुछ डाल करके, और मिलाने के बाद फिर मैंने तरोई में भर लिए थे सारे अच्छे से। आप भी बना के देखिएगा, अच्छी लगती है मसाले वाली तरोई। बच्चों को मेरे बहुत पसंद है, वो आलू डाल के तरोई बनाओ ना तो उतनी पसंद नहीं करते जितनी इसे भर के बनाने में उन्हें अच्छी लगती है, इसलिए मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ। मैंने कढ़ाई में मेरे तेल गर्म हो गया था तो फिर इसमें मैंने डाली थी हींग, और हींग डालने के बाद फिर मैंने जो सारी तरोइयाँ भर के रखी थी उनको मैंने अच्छे से डाल दिया था इसमें। और ये बन भी जल्दी जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें। मैंने ऐसे इनको एक एक करके ऐसे रखा था तेल के ऊपर ताकि मसाला नहीं इधर उधर फैल पाए। और फिर मैंने सोचा जब तक सब्जी पक रही है तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ,
तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही थी। आटा मैं एक ही हाथ से लगाती हूँ, दो हाथ यूज़ नहीं करने पड़ते मुझे आटा लगाने में। और खाना बनाने में सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है वो आटा लगाना लगता है, सबसे ईजी यही होता है। इसमें फटाफट से पानी डाला, गूँथ दिया, आटा लग गया। तो मेरी सब्ज़ी यहाँ पर तैयार हो गई थी, आप देख सकते हैं किस तरह की बनी है ये, और खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा अपने घर में। इसकी वजह से टमाटर नहीं बच सकते। इतना टमाटर क्यों पसंद है भाई तुमको, ज़रा ये बताओ। मुझे खाना, अभी तो खाना खाया तुमने। मुझे तब भी खाना। तब भी खाना? हाँ। अच्छा, छोटा सा लूँगी। ठीक है, ले लो फिर। और कौन कौन सी मुद्राएं हैं? अरे ये है, ऐसे होता है वायु मुद्रा, ऐसे वायु मुद्रा। अच्छा। और ऐसे होता है शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा होता है ऐसे, ऐसे होता, ये पृथ्वी मुद्रा इस तरह, सूर्य मुद्रा इस तरह। और अभी एक और मुद्रा है, कहाँ गया? और वरुण मुद्रा इस तरह, इस तरह होता है अपन मुद्रा, इस तरह होता है ये ऐसे फिर ऐसे। तो खाने के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे आलस आ रहा था और मैं लेट गई थी, फिर मैं मोबाइल चलाने लगी, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। अभी हो गया शाम के 7 बज चुके हैं और बच्चों के हो गया दूध का टाइम, तो अब उन्हें हम देंगे दूध। हम नहीं, मैं दूंगी। और ये बैठी हुई हैं और इनकी चल रही है वही टीवी। चेरी यहाँ पे ज़िंदगी के असले मज़े लेते हुए, क्योंकि चेरी तो मज़े ले रही है लाइफ में। और अभी मुझे बेड में बेडशीट बिछानी है क्योंकि सुबह मैंने मशीन लगाई थी तो उसमें धो दिया थे और अभी तक मैंने बिछाई नहीं है उसको, तो वो मुझे बिछानी है। और अब जा रही हूँ मैं किचन में और बच्चों को दूध दे दूँगी। दूध देने के बाद खाना वाना बनाऊँगी जो बनाना होगा। अभी दूध निकाल लेती हूँ मैं। तो दूध चढ़ा दूँ मैं। चल जा यार, क्या है। और मैं लाई थी कुछ नींबू, बड़े बड़े नींबू मिल रहे थे, अच्छे मिल रहे थे और काफ़ी रसीले हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं इनका अचार रखूँगी, लेकिन मैंने अभी तक रखा नहीं है। कल से मैंने इनको धो के पोंछ के अच्छे से सुखा के रख दिया है। अब मैं इसको कल देखूँगी, अभी नमक लाना पड़ेगा तो, क्योंकि मैं उस दिन सामान लाई थी तो मैं उसमें नमक नहीं लाई थी, तो अभी मुझे नमक लाना है। इसमें बहुत इजी है एकदम, बिना मिर्च मसाले का, केवल इसमें अजवाइन, काला नमक और सादा नमक मिलाकर इनमें कट लगाऊंगी, उसमें अच्छे से नमक ठूस ठूस के भर दूंगी और फिर रख दूंगी, तो तैयार हो जाएंगे। 2 किलो नींबू लाई थी, फिर जाऊँगी अगर मार्केट अच्छे मिलेंगे तो ले आऊँगी, तो पूरे साल भर के लिए हो जाएंगे क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है, नींबू का अचार बहुत खाते हैं। तो रखूँगी, जब रखूँगी तब आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे रखा हुआ है। और यहाँ पर दूध देखिए गर्म हो रहा है,
और बच्चे पता नहीं क्या खाना खाएंगे, कुछ बोल रहे थे बनाने के लिए, लेकिन मैं बनाऊंगी नहीं आज, बहुत गर्मी है, देख रहे हैं कितना पसीना आ रहा है। तो बनाऊंगी कुछ हल्का फुल्का से बना लूंगी, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करते ही रहना होता है। मैंने पर्दे भी धोए थे, तो पर्दे लगाने हैं मुझको, बहुत काम है मेरे पास। स्टोर में कपड़े फैले हुए हैं, कपड़े समेटने हैं, बहुत सारे काम करने को बाकी है अभी। यहाँ पे मैं सब काम करके बैठ गई थी, फिर मैं बच्चों से गई थी खाने में क्या बनाना है, तो बच्चों की फरमाइश, 3-4 दिन से वो बोल रहे हैं मुझसे कि पाव भाजी बनाओ पाव भाजी बनाओ, लेकिन मैं पाव भाजी रोज़ बहाने बना दे रही थी कि नहीं आज नहीं कल, आज नहीं कल, तो आज जिद हो रही थी कि नहीं आज ही बनाओ आज ही बनाओ। ये देखिए कैसे कर रहा था, ये कह रहा था नहीं आज ही बनाओ, रोज़ बहाने कह रहा था। 3 दिन से लगातार आप बहाने बना रही हो, कहीं कुछ बना देती हो कहीं कुछ बना देती हो, आज पाव भाजी बनाओ। मैं समझा रही थी, मैं उसको बता रही थी कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है इसलिए आज नहीं बनाऊंगी कल बनाऊंगी। बाद में तैयार हो गया था, मैंने बोल दिया था कि मटर पुलाव बनाऊंगी, तो मटर पुलाव इनको बहुत पसंद है खाने के लिए, मैं इसलिए फिर तैयार हो गए थे कि ठीक है। ये हम लोग स्टैचू जैसे बैठे हो गए, ये कोई सीरियल आ रहा था, कुछ आ रहा था उसमें, कुछ पता नहीं क्या चल रहा था, भरत मिलाप हो रहा था भाई बहनों का, वही देख रहे थे। और ये डिब्बा मैंने बोला था इससे फेंकने के लिए, इसने फेंका नहीं था, तो वही मैं इससे कह रही थी कि तुमने इसको फेंका क्यों नहीं है जब ये खाली रखा था। तो और ये हमारी बेटी दूध पीने के बाद कप भी रखने नहीं गई, मुझसे कह रही थी जाओ ये कप रखाओ, तो मैं उससे कही थी मैं क्यों रखूँ तुम्हारा कप, कप रख के आओ तुम खुद, लेकिन बाद में उसने मुझे ही पकड़ा दिया। तो दोस्तों आज का हमारा खाना पीना हो चुका है और बच्चे गए हैं लेट, अब मैं भी जा रही हूँ सोने। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे करूँगी एंड, मिलती हूँ फिर कल आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं इतनी चमकू क्यों लग रही हूँ, जबकि मैंने तेल भी नहीं लगाया, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, कोई बात नहीं, बाय।